अब बात करते हैं हमारे सेकंड जो इलेक्ट्रोड है, यानी कि कैलोमल इलेक्ट्रोड। सेकंड इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं हम, जो इसमें हमारा कौन सा है कैलोमल। फर्स्ट हमारा कौन सा था, हाइड्रोजन। अब हमारा सेकंड इसमें दे रखा है कैलोमल, ठीक है। कैलोमल की बात कर रहे हैं तो कैलोमल क्या होता, होता तो ये भी ऐसा ही है थोड़ा सा। थोड़ा सा इधर हो जाएगा ये चेंज कर। मैं पिक्चर ब्लर कर रहा हूँ। दिखाई नहीं दे रहा बच्चों? मैं ब्लर हूँ। एक मिनट अभी दिखाती हूँ। अब दिख रहा है? यस मैम, दिख रहा है ना? ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये वाला हमारा होता है कैलोमल का। ये होता तो वैसे ही है, लेकिन ये क्या होता है, ऊपर थोड़ा सा देखो ऐसे होता है, इस तरीके से होता है, ऊपर से छोटे मुंह का होता है वो, थोड़ा ऊपर से खुला हुआ था ना, ये थोड़ा सा छोटे माउथ का होता है ऊपर, ठीक है, बंद होता है। तो इसमें भी ये हमारा इलेक्ट्रोड डिप रहता है। जो भी ये किसका बना होता है, ये भी हमारा प्लेटिनम का ही बना होता है, पीटी का, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, प्लेटिनम का ही बना होता है। और इस पे ये कौन सा कवर होया, किस चीज का कवर होगा इस पे? प्लेटिनम ब्लैक का बेटा, कवर बोल रही मैं, कवर ग्लास कवर। ग्लास जी, ठीक है। जो हमारा कवर होगा वो किसका होगा, ग्लास का। तो ये बात आपको याद रखनी है। और ये हमारी अगार कॉर्क है, अगर इसको हम कॉर्क को हटा के इसको उससे जोड़ देंगे तो ये हमारा, मतलब रेफरेंस वाले की बात करें इसमें हाफ, ये भी हमारी हाफ सेल होती है, क्योंकि हम आधे की बात करें, अगर इसको उससे जोड़ देंगे तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाएगी हमारी, ठीक है। ये भी हमारी हाफ सेल होती है। तो इसमें जो ये क्या होता है, जार टाइप हो गया, ठीक है। इसमें भी सॉल्ट ब्रिज होता है हमारा, अगर हम कर लें बात, सेम वही रहता है बस इसमें, ठीक है। ये भी हमारा सॉल्ट ब्रिज है। इसमें जो सॉल्यूशन होता है वो तीन लेयर में होता है। फर्स्ट लेयर हमारी ये हो गई, फिर ये सेकंड लेयर, और ये थर्ड लेयर, ठीक है। ये हमारी फर्स्ट, ये सेकंड लेयर, और नीचे सबसे नीचे होती है थर्ड लेयर। तो सबसे नीचे जो हमारा होता है इसमें मर्क्यूरी होता है, सेकंड में हमारा कैलोमल होता है, और थर्ड में ये हमारा केसीएल होता है। फर्स्ट वाले में हमारा क्या होता है, मर्क्यूरी, सेकेंड वाले में हमारा कौन सा हो गया, कैलोमल, थर्ड वाले में हमारा केसीएल, ठीक है। यस मैम, ठीक है। और जो ये कैलोमल होता है, ये मर्क्यूरी, आपका जो मर्क्यूरियस क्लोराइड होता है वही होता है, यानी कि मर्क्यूरी, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है आपका, ओके। यस मैम, ये सबसे ज्यादा यूज HgCl2, ठीक है, ये सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो किससे होता है, मर्क्यूरी टू कैलोमल से होता है, यानी कि मर्क्यूरी टू कैलोमल ऐसे होगा, ठीक है, रिवर्सिबल होगा, ठीक है, रिवर्सिबल होगा, ओके। यानी कि मर्क्यूरी से कैलोमल की तरफ जाएंगे और कैलोमल से मर्क्यूरी की तरफ आएंगे, जितने लेगा उतने ही, जितने लेगा उतने क्या करेगा, उतने ही देगा, ठीक है। यानी कि ये जितने लेगा उतने ही देगा, ठीक है, ये होगा इसमें, यस, ओके, यस मैम। और एक इसमें एक रिएक्शन जो होगी वो आपकी ऐसे होगी, इसमें एक सैचुरेटेड आपका जो केसीएल है उसमें एक्सएम होगा, आपका एक्सएम क्या होगा, अब इसमें आप बताए तो, आपका जो एक्सएम होगा वो होगा आपका मोलर कंसेंट्रेशन,
ठीक है, मोलर कंसेंट्रेशन होगी जो आपका किसमें है, केसीएल सॉल्यूशन में आपके मोलर कंसेंट्रेशन ऑफ केसीएल सॉल्यूशन, ठीक है, जितने आपके सॉल्यूशन में होंगे ना मोलर, उनकी कंसेंट्रेशन। ओके, ये समझ में आया आपको? कैलोमल इलेक्ट्रोड समझ में आया? ठीक है, अब बताते हैं हम थर्ड की बात करते हैं आपके। थर्ड आपका कौन सा है? सिल्वर क्लोराइड। अब हम बात कर रहे हैं आपके सिल्वर क्लोराइड की। आपका सिल्वर क्लोराइड इलेक्ट्रोड की बात करें, प्रिंसिपल सबका सेम है, ठीक है, तीनों का सेम है, वही हाफ रिएक्शन होगी, वही इतने इलेक्ट्रो आएंगे इतने ही जाएंगे, सेम आपका सेम प्रोसेसिंग है इसमें, ठीक है। ये भी आपका इंडिकेटर इलेक्ट्रोड का क्या जरूरत था, उसका भी बताएंगे ना आगे, एक मिनट आप फिलहाल ये वाला सुने ना, ठीक है, आगे आएगा ना उसका। ठीक है, ये हमारी किसकी होती है, ग्लास ट्यूब है, इसमें ग्लास ट्यूब से ही तो होता है ना कवर, इसमें केसीएल का सॉल्यूशन है हमारा, केसीएल का सॉल्यूशन है इसमें, ठीक है, इलेक्ट्रोड है आपके। चलो तो मैं बता देती हूँ, आप सुन लेना, तो जो इसमें जो इलेक्ट्रोड यूज होगा वो सिल्वर का होगा, उसमें सब में किसमें होते हैं, प्लेटिनम के, इसमें कौन से होते हैं, सिल्वर के, ठीक है, इसमें सिल्वर का यूज होगा, एंड जो इसकी कोटिंग की जाएगी वो किसकी होगी, जब सिल्वर का यूज कर रहे हैं तो इसमें सिल्वर क्लोराइड की जाएगी, यानी कि AgCl की जाएगी, ठीक है, जो कोटिंग होगी उस पर पॉलिश किसकी होती है, प्लेटिनम ब्लैक की, तो इस पे किसकी हो रही है, कोटिंग हो रही है इससे सिल्वर क्लोराइड की, और ये ग्लास ट्यूब से कवर कर दिया जाएगा आपका, जैसे कि सेम कर रहे थे, और इसको डिप किस में कर रहे हैं, केसीएल में कर रहे हैं आपके, केसीएल में यानी पोटेशियम क्लोराइड में इसको डिप कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन का जो एक्सचेंज होगा वो सिल्वर क्लोराइड टू सिल्वर होगा, यानी कि सिल्वर क्लोराइड टू सिल्वर होगा, सिल्वर से सिल्वर क्लोराइड में जाएंगे, ठीक है ना। तो जो इसमें आयनिक सिल्वर से जो मेटल, यानी कि जो आपके मेटल होंगे, जो मेटल के मॉलिक्यूल होंगे आपके सिल्वर के बीच में, तो वो क्या होंगे, सिल्वर से सिल्वर क्लोराइड में जाएंगे और सिल्वर क्लोराइड से सिल्वर में होगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में ना, इन तीनों की प्रोसेसिंग समझ में आ गई, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल समझ में आया, फिर आपको सिल्वर का समझ में आया, आउटसोल हाइड्रोजन समझ में आया, कैलोमल समझ में आया, और आप लास्ट आपका सिल्वर क्लोराइड का वो समझ में आ गया, ठीक है। तो ये ओके बच्चों, एक अब आपके सिलेबस देखिए, ठीक है, तो ये तो आपके इनकी बात थी जो आपके रेफरेंस वाले थे वो, ठीक है, ये आपके जो तीन थे ये किसके थे, रेफरेंस वाले के थे। अब हम बात कर रहे हैं आपके जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है उनकी, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड आपके टू टाइप्स के दिए गए हैं जो होते हैं आपके, ठीक है, ये वाले कितने टाइप के थे, थ्री टाइप के थे जो आपके रेफरेंस इलेक्ट्रोड थे, ये बेटा आप पूछ रहे थे ना, तो ये आपके थ्री टाइप के रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमने बताए जो बताए हैं, ओके। और ये अब हम बात कर रहे हैं किसकी, जो आपके इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है उनकी, ठीक है। फर्स्ट आपका आता है, फर्स्ट इसमें इंडिकेटर में आपका ग्लास इलेक्ट्रोड है, सेकंड आपका मेटल इलेक्ट्रोड है, ये टू इम्पोर्टेंट इलेक्ट्रोड है जिसमें से सबसे ज्यादा ग्लास इलेक्ट्रोड आपसे पूछा जाता है, ओके। तो हम ग्लास इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, इंडिकेटर इलेक्ट्रोड में है ये आपके, और ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका, ऐसे एक जाल टाइप होता है, इसमें आपका ये ग्लास का बना हुआ होता है, ठीक है, इसमें आपका NaCl होता है, इनके बीच में ही आपका ये सैंपल होता है, इसमें सैंपल सॉल्यूशन जो आपका फिल रहेगा, ठीक है,
फिर आपका यहाँ पे जो वायर होती है सिल्वर की वायर होती है जिससे कोटेड की जाती है, किससे? AgCl यानी कि सिल्वर क्लोराइड से। ठीक है, तो ये होता है इसमें। इसमें आपका सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन फिल रहता है। ठीक है, ये आपकी ग्लास ट्यूब ही होती है, ये बहुत पतली ग्लास की होती है, जो इसमें इंडिकेटर आपका पोटेंशियल कंटिन्यू चार्जेस होते रहते हैं। ठीक है, और ये इलेक्ट्रोड जो बेसिकली की उसके होते हैं पीएच मीटर में होते हैं यूज, जो होते हैं पीएच मीटर के लिए यूज होते हैं, ये जो वाला यूज होता है। ठीक है, यानी कि किसी भी सॉल्यूशन की अगर आपका कोई अननोन सॉल्यूशन है और उसकी आपको पीएच वगैरह डिटरमाइन करनी है तो आप इसका यूज कर सकते हैं। ओके बच्चे, तो ये जो होता है एच प्लस आयन के लिए होता है मेनली। ठीक है, इसमें जो सैंपल सॉल्यूशन लेंगे जिसकी पीएच आपको डिटरमाइन करनी है, ये हमने कोई सैंपल सॉल्यूशन ले लिया, हमें इसकी क्या करनी है पीएच को डिटरमाइन करना है। ठीक है, तो ये ग्लास बल्ब हो गया हमारा। ठीक है, ये पूरा किसका बना हुआ है, ग्लास का बना हुआ है, आपको जैसे कि दिख रहा है। ये जो कि हमें बहुत पतला यानी कि बहुत ही थिन का बना, यानी कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बना होता है, जिसको आप बहुत पतला बोल सकते हैं, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का बना हुआ था ये वाला ग्लास का। ठीक है, इस बल्ब में क्या बल लिया हुआ है, हमने कौन सा सॉल्यूशन लिया है इसमें, NaCl का सॉल्यूशन। ठीक है, हमें NaCl का सॉल्यूशन चुन लिया। ठीक है, तो जो हम जब इसको वर्किंग होती है, इसमें वर्किंग क्या होती है, जब हम इस ग्लास में क्या करते हैं इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं, ये हमने इलेक्ट्रोड डिप कर दिया, जब हम इस इलेक्ट्रोड को डिप करते हैं तो जो हमारा सैंपल सॉल्यूशन के अंदर जो अगर हमने माने जैसे हमने सैंपल सॉल्यूशन के माना हमने क्या एसिडिक ले लिया, आप मान ले सपोज हमने एसिडिक ले लिया, तो एसिडिक का आपको पता है एच प्लस आयन ज्यादा है। ठीक है, तो सॉल्यूशन के जो H प्लस आयन है वो क्या करेंगे, अंदर की ओर मूव करेंगे। ठीक है, मूव करें अंदर की तरफ, जब अंदर की तरफ मूव करेंगे, अंदर क्या है हमारा NaCl, तो यानी कि N प्लस Cl माइनस, तो जो अंदर का सोडियम है जो Na प्लस है वो क्या करेंगे, वो बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएंगे, अंदर हमारा जा रहा है H प्लस और बाहर हमारा क्या आ रहा है सोडियम, समझ में आया, अंदर कौन सा है NaCl है ना, तो अंदर से कौन सा आएगा Na प्लस हमारा बाहर आएगा, और जो सैंपल में हमारा कौन सा एसिडिक है तो H प्लस आयन है, तो वो क्या करेंगे अंदर की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, तो जो H प्लस अंदर गया और अंदर से Cl के साथ मिलकर हमारा क्या बन गया, वो HCl बन जाएगा, जब हमारा Na बाहर आ गया, अंदर हमारा H गया, तो अंदर Cl बचाना ओनली, तो Cl के साथ H मिलकर क्या कर देगा HCl, HCl बना लेंगे ना। ठीक है, ये हो गया, आए समझ में, अब ये वाला समझ में आ गया, देखो। ठीक है, तो जितने H प्लस आयन अंदर गए तो उसमें क्या होगा, उसी के बेसिस पर आपको पता चलेगा कि एसिडिक है या कम है, या H प्लस आयन अगर ज्यादा गए तो उसी के बेसिस पर हमें पता चल जाएगा कि इसमें हमारा जो सॉल्यूशन है वो कितना एसिडिक है या बेसिक है। ठीक है, जितने H प्लस आयन अंदर की तरफ मूव करेंगे ना, तो उसी के बेसिस पर हमें इसकी क्या पता चल जाएगी, एसिडिटी पता चल जाएगी सॉल्यूशन की। ठीक है, क्योंकि और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है कि जैसे ये सेमी परमिएबल होती है ना, तो जो इसके बेसिस पे ही आयन क्या करते हैं मूव कर सकते हैं, हम सेमी परमिएबल इसको इसीलिए बोल रहे हैं, मतलब इसीलिए इसमें ले रहे हैं कि इसी के थ्रू इसमें क्या होता है, जो मूवमेंट होता है आपका आयन का वो होता है। ठीक है, ठीक है, और जो ये पोटेंशियल होता है, ठीक है, ठीक है, आगे ना समझ में, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, ओके, तो ये बात आपको समझ में आ गई, ग्लास इलेक्ट्रोड आपको समझ में आ गया, मतलब इसमें क्या हो रहा है। ओके, अब बात करें फिर सेकंड बता दूं, आप सेकंड आपकी बात कर रहे हैं हम मेटल इलेक्ट्रोड की, सेकंड हमने बात करी मेटल इलेक्ट्रोड, मेटल इलेक्ट्रोड में क्या होता है, दिख रहा है, अब ये देखिए,
ये वाला जो इलेक्ट्रोड होता है हमारा सैंपल, जो आपके सैंपल एलिमेंट है ना उनका बना होता है ये वाला, यानी कि जो आप इसमें सैंपल लेंगे ना उसी का बना होगा, ठीक है। एग्जाम्पल में अगर आप देखे, जो हमारे सैंपल ले लिया हमने, इसमें सिल्वर नाइट्रेट ले लिया यानी कि AgNO3 ले लिया, तो हमारा इलेक्ट्रोड किसका बना होगा, तो हमारा इलेक्ट्रोड भी उसी का बना होगा यानी कि सिल्वर नाइट्रेट का ही बना होगा। ओके आई बात समझ में इतनी, तो जो इसमें इतनी बात समझ में आ गई ना, हमारा इलेक्ट्रोड कौन सा होगा, जो हमारा सैंपल होगा उसी का हमारा क्या होगा, इलेक्ट्रोड होगा। तो जो वायर होगा इसमें यानी कि वो सिल्वर का होगा, ठीक है, और जो हम इसमें क्या होगा यूज करेंगे यानी कि इसमें जो कनेक्टेड रहेगा वो किससे होगा, प्लैटिनम का होगा। ये जो हमारा वायर होगा ये सिल्वर और प्लैटिनम का होगा, ठीक है। तो जो हमारा इसमें इलेक्ट्रोड यानी कि सॉल्यूशन में हम डिप कर रहे हैं, जब इलेक्ट्रोड हमारा सॉल्यूशन में डिप कर रहे हैं, तो सैंपल के जो आयनिक फॉर्म है, जो सैंपल के आयनिक जो सैंपल में हमारे आयनिक फॉर्म है इसमें, यानी कि जो पॉजिटिव या नेगेटिव कटायन और अनायन है, तो वो किसकी उस फॉर्म में मिल रहे हैं, इनके चार्जेस की फॉर्म में मिल रहे हैं, आयनिक फॉर्म में यानी कि कटायन और अनायन है उसकी फॉर्म में हमें मिल रहा है ना, तो सिल्वर से जो नाइट्रेट होगा वो रिएक्ट करेगा, जिसके बेसिस पर हम क्या कर लेंगे, इसको डिटरमाइन कर सकते हैं, ठीक है। जो सिल्वर नाइट्रेट होगा हमारा वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, जिसके बेसिस पर हम डिटरमाइन कर लेंगे कि क्या चीज है, मतलब कटायन में है अनायन में है, ठीक है। और जो हमारा इलेक्ट्रोड आपको पता ही दिया हमने, इलेक्ट्रोड इज मेड अप ऑफ किसका, सैंपल एलिमेंट, ठीक है। और इलेक्ट्रोड किस में डीप है हमारा, इज डीप इन जो भी आपका सैंपल, आप कोई भी जो भी सॉल्यूशन लेंगे, कंटेनिंग सॉल्यूशन ले लेंगे, ठीक है, इन सॉल्यूशन कंटेनिंग, ठीक है। और जो सैंपल रहेगा वो किसकी फॉर्म में रहेगा, आयनिक फॉर्म में, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव की आयनिक फॉर्म में, ठीक है, आयनिक फॉर्म में, यानी कि कैथोड और एनोड जी। अब इसमें आपके पूछे गए एंड पॉइंट जी, अटेंडेंस ओके, आपके अटेंडेंस हमने लगा दिए, ठीक है। अब इसमें आपकी जो पोटेंशियोमेट्री है उसमें आपका पूछा गया है एंड पॉइंट डिटरमाइन करें। अब उसमें आपका एंड पॉइंट पूछा गया है कि एंड पॉइंट क्या होता है, कि इसमें आप एंड पॉइंट कैसे डिटरमाइन करेंगे, है ना, कि भाई जब इसमें आपके इसमें तो इलेक्ट्रोड्स है, रेफरेंस इलेक्ट्रोड हो गया, इंडिकेटर हो गया, तो हमें एंड पॉइंट कहाँ पता चल रहा है, पता चल रहा है इसमें, हमें एंड पॉइंट तो नहीं पता चल रहा ना, इसमें तो सिर्फ हमें फॉर्म पता चल रही है ना। तो अब इसमें इसके लिए कि हमें पोटेंशियोमेट्रिक में एंड पॉइंट कैसे डिटरमाइन करना है, तो उसके लिए ये है कि हम इसमें एंड पॉइंट कैसे डिटरमाइन करेंगे, ठीक है। तो जो हमारी वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट होते हैं ये कम ग्राफ के फॉर्म में आपको प्लॉट किया गया है, तो ग्राफ के फॉर्म में आपको पता चलेगा कि कैसे होता है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट हो गया आपका, इसमें क्या था, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स यानी कि EMF, EMF, ठीक है। रिएक्शन कैसी होगी आपकी, जो यानी कि जो EMF है वो कैसे बढ़ेगी, उसके बीच में कैसे ग्राफ फ्लोट होगा आपका, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट से EMF की ओर, इन दोनों के बीच में आपका कैसे ग्राफ फॉर्म होगा या प्लॉट होगा वो बताएंगे। तो जो फर्स्ट आपका हम ले हैं, जैसे आपका वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट वर्सेज EMF, वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट वर्सेज EMF, ठीक है। तो हम ऐसे आपका ग्राफ ले रहे हैं, ये आपका ग्राफ होगा, इसमें क्या होता है, यहाँ से आप